सबसे ठंडे माने जाने वाले रूस के साइबेरिया में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। याकूत शहर में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। पारा -62.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि 21 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है। अमेरिका में भारी बर्फबारी ने कोहराम मचाया हुआ है। पिछले कुछ घंटों में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। बर्फीले तूफान ने घरों सड़कों पर करीब 1 फीट बर्फ जमा दी है। 31 सालों में डेनवर में जनवरी के महीने में ये सबसे बड़ा हिमपात है। ब्रिटेन इन दिनों बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड की चपेट में है। माना जा रहा है यही हालात पूरे फरवरी में बने रहेंगे। ये तो अभी शुरुआत मानी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाला वक्त बर्फबारी के लिहाज से बेहद मुश्किल हो सकता है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बीच बोस्निया और हर्जेगोविना में पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। 8 इंच हुई बर्फबारी में स्कीइंग का मजा लेने के लिए सैलानी जुटने लगे हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान के संकट के बाद बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में पूरी रफ्तार से बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा में भी खूब बर्फ पड़ी है। हालात ये है कि सड़कों रास्तों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है। कश्मीर और उससे सटे इलाकों में तापमान माइनस में जा रहा है। करगिल में पारा -21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं बर्फबारी में कश्मीर के गुरेज इलाके में नौजवानों की टीम बैट और बॉल से खेलती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से जहां ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर कुलगांव में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई। सड़कों से बर्फबारी को हटाने का काम जारी है। बर्फ से ब्लॉक कई रास्तों से बर्फ हटा दी गई है। उत्तराखंड में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का कहर जारी है। लगातार तापमान में गिरावट के चलते मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में अभी शीतलहर का प्रहार जारी है। लोगों को ठंड सुबह और शाम में परेशान कर रही है। 23 और 24 जनवरी को मौसम विभाग ने हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने के साथ ही आंधी बारिश और ओला गिरने की भी चेतावनी को जारी किया।